जिसमें लिंग और वचन पढ़ेंगे। लिंग और वचन हम लोग क्या होगा, इस लिंग और वचन पढ़ाएंगे जिससे आप लोग क्या हो जाए, हम लोग अधिक से अधिक मिले, आप लोग बनाए घर पे। तो पहले क्या पढ़ते हैं, हम लोग वचन पढ़ लेते हैं व्याकरण में क्या वचन एवं लिंग। तो पहले क्या करते हैं, वचन। वचन किसे कहते हैं, जिन शब्दों से आसान से लिख रहे हैं परिभाषा जो जल्दी समझ में आ जाए आपको, जिन शब्दों से वस्तु या व्यक्ति किसी भी वस्तु, वस्तु में सारा समाज है, व्यक्ति में सारे संसार के सारे आदमी आ जाते हैं, आदमी और सब, जिन शब्दों से वस्तु या व्यक्ति का, व्यक्ति की संख्या का पता चलता है, संख्या का पता चलता है, या वस्तु या व्यक्ति की क्या होगा, संख्या का बोध कराने शब्दों को वचन कहते हैं, या जिन शब्दों से वह वस्तु या व्यक्ति की संख्या का पता चलता है या बोध होता है, बोध लिखे होते हैं, बोध संख्या का बोध होता है, बोध मतलब ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। जिन शब्द से वस्तु या जिन शब्दों से वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। कैसी संख्या, एक संख्या है, अनेक है, कि दो है, कि तीन है, इसी का नहीं है, तो वचन है। और वचन कितने होते हैं पढ़ना है, संस्कृत में वचन कितने होते हैं, तीन होते हैं, लेकिन हम हिंदी में, हिंदी में कितने वचन होते हैं, दो होते हैं। हिंदी में दो वचन, एक वचन और बहुवचन, संस्कृत में एक वचन द्विवचन बहुवचन तीन होते हैं, लेकिन हम हिंदी पर, हिंदी में क्या होगा, एक वचन और बहुवचन, तो हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं, दो होते हैं, दो होते हैं। एक पहला कौन वचन होता है, एक वचन, एक वचन क्या होता है, जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु का, जहां समस्या होगा आप लोग पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, अगर नहीं समझ में आएगा, लिखा हुआ नहीं पता लगेगा, या नहीं क्या लिखा हुआ है, या जो समझ में नहीं आया कैसे होगा, उसको पूछ भी सकते हैं आप लोग। तो जिस शब्द से व्यक्ति या, लेकिन होमवर्क बनाना है जरूर, याद करना है, व्यक्ति या वस्तु की एक संख्या में होने का बोध होता है, मतलब वस्तु या व्यक्ति क्या है, एक है, सिंगल है, उसको क्या बोलेंगे, एक वचन। जिस सबसे व्यक्ति या वस्तु की एक संख्या में होने का वो होता है उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जैसे क्या गया, लड़का, पहाड़, किताब इत्यादि, ये सब क्या है, एक ही है ना, दूसरा क्या है, बहुवचन। बताएं संस्कृत में क्या होता है, द्विवचन, दो संख्या का होता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, लेकिन हिंदी में क्या होता है, एक वचन और बहुवचन दो ही होता है, जैसे लिंग भी होता है संस्कृत में तीन होता है लेकिन हिंदी में दो ही होता है। तो बहुवचन लिखते हैं, जिस शब्द से, बहुत आसान है, एक की संख्या में रहेगा तो एक वचन, अनेक की संख्या में रहेगा तो बहुवचन होगा। जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु का अनेक संख्या में होने का बोध होता है, एक मतलब एक, और बहु मतलब बहुत, बहुत मतलब अनेक। जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के अनेक संख्या, मतलब बहुत की संख्या में, अनेक संख्या में होने का बोध होता है वो क्या कहलाएगा, बहुवचन कहलाएगा।
क्लास 1, 2, 3, 4 सबके लिए है। वर्ग 1 से लेकर कहाँ तक है, 4 तक के बच्चे के लिए, 5 से 4 तक से बहुवचन कहते हैं। एक की संख्या में हो गया सब कोई भी व्यक्ति वस्तु एक वचन हो गया, और अनेक की संख्या में हो गया तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। जैसे यहाँ क्या है, लड़का है, तो बहुवचन में एक वचन लड़का है, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, यहाँ लड़के हो जाएगा। मतलब क्या, लड़के खेलते हैं, एक लड़का खेलता है, तो लड़का खेल रहा है मतलब क्या, एक लड़का खेल रहा है, एक लड़का पढ़ रहा है, और यहाँ लड़के खेलते हैं, लड़के पढ़ते हैं, तो बहुत सारे हैं, कितने सारे नहीं है, अनेक लड़के हैं, देखने पता नहीं है, मतलब अनेक लड़के हैं। तो लड़के हो गया, पहाड़ों वहां का देखते हैं, किताबें, ये सब क्या हो गया, बहुवचन में हो गया, इत्यादि। अब आप लोग का इसी में रहेगा कक्षा कार्ड, कक्षा कार्ड नहीं गृह कार्ड होमवर्क, एक वचन बहुवचन आगे क्या होगा, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए होमवर्क लिख लीजिए, आप लोग बना के भेजना है स्कूल के नंबर व्हाट्सएप पर, सर का नंबर 9798864150 उसी पे, गृह कार्य है, एक वचन से बहुवचन बनाए। एक वचन से बहुवचन बनाए, वचन बदले, क्वेश्चन किसी भी तरह रहता है तो उसे करना है। यहाँ क्या होगा, जूता, क्या होगा, जूते, पत्ता, क्या होगा, पत्ते, कुर्सी, कुर्सियां हो जाएगा, मेज, मेज सिंगल टू प्लूरल होता है ना इंग्लिश में, भी हो गया वचन हो गया मेज, किताब हो गया, नदी, लड़की, तितली, खिड़की, ज्यादा नहीं लिखा पाएगा उतना सर, लेकिन आप लोग क्या करना है, घर का जितना सारा सामान देखते हैं आप लोग को, जिसका जो भी सामान, उस सारे सामान का क्या करना है, लिखना है नाम एक वचन में भी, और फिर उसका बहुवचन बनाना है, बना क्या करना है, भेजना है हमको, जो लिख रहे हैं इसके अतिरिक्त बाकी जितना घर का सामान है आपका सबका, जैसे अलमारी हो गया, बर्तन हो गया, जो भी है, झाड़ू है, बहुत सारा सामान है, पलंग है, सबका क्या करना है, एक वचन लिखना है, उसका नाम लिखना है, फिर उसको बहुवचन में बदल के क्या करना है, इसको लिखना है, यहाँ लिख के रखना है, कलम, शिक्षक, फूल, पौधा, वृक्ष, सड़क, जानवर, पक्षी, इतना है। और आप लोगों को बोले क्या करना है, अपने घर से घर के सारे सामान को एक वचन फिर उसका बहुवचन में लिखना है। अब हम लोग लिंग पढ़ लेते हैं, लिंग जेंडर लिंग की परिभाषा क्या है, आसान शब्द, जिस शब्द से वस्तु का पुरुष या स्त्री जाति में होने का बोध होता है, जिस शब्द से वस्तु का पुरुष या स्त्री जाति में होने का, मतलब स्त्री पुरुष स्त्री है, सॉरी वस्तु क्या है, पुरुष जाति का स्त्री जाति का उसका बोध, उसे क्या कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। ये भी है, संस्कृत में 3 लिंग, हिंदी में क्या होते हैं, 2 लिंग होते हैं, तो हमें क्या पढ़ना है, 2 लिंग, लिंग के संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, लेकिन लिंग पढ़ना है 2 प्रकार का, हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं, हिंदी भाषा में लिंग 2 ऐसे लिखते हैं, हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पहला क्या है, पुल्लिंग, पुल
पुलिंग मतलब क्या होगा, पुरुष तो जिस शब्द से वस्तु का पुरुष जाति में होने का बोध हो गया पुलिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया जिस शब्द से स्त्री जाति का, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग हो गया। जिस सबसे वस्तु का पुरुष जाति में होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे क्या क्या लड़का घर, घर छोटा है लिखते हैं, घर सुंदर है घर छोटी नहीं लिखते हैं, लड़का घर घोड़ा हाथी ये सब क्या है पुल्लिंग शब्द है। दूसरा हो गया स्त्रीलिंग, जिस शब्द से वस्तु का स्त्री जाति में होने का बोध होता है। पुलिस पुरुष जाति का हो गया तो क्या हो गया पुल्लिंग हो गया, स्त्री जाति का हो गया तो स्त्री हो गया। उसे स्त्रीलिंग का स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे इसका उदाहरण क्या हो गया लड़की तितली खिड़की, बोलते खिड़की खुली है इत्यादि। अब इसका आप लोग का घर का काम बनाए, घर का काम बनाने के लिए गृह होमवर्क इसको बना लीजिएगा। HW गृह कर देते हैं, क्या करना है लिंग बदलना है शब्दों का, पुरुष से स्त्रीलिंग या स्त्री जाति का होगा तो उसको जो शब्द लगे स्त्रीलिंग है उसको पुल्लिंग करना है, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग करना, लिंग बदलें। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग अधिकतर शब्द रहेगा, अधिकांश कोई पुरुष से स्त्रीलिंग रहेगा तो लिंग बदलें। जैसे हो गया हाथी बदलना, हाथी का क्या लिखेंगे हथिनी, उल्टे से लिखना है सबको। पहले वचन बदलने के लिए थे हाथी लड़का नाना अध्यापक अध्यापिका हो जाएगा, बूढ़ा बूढ़ी युवक युवती सम्राट सम्राज्ञी राजा रानी शासिका शासक, शासक स्त्रीलिंग शब्द है उसका शासक लिखना है, घोड़ी घोड़ा बहन का भाई मामा मामी माँ पिताजी नायिका नाई शिक्षक शिक्षिका छात्र छात्रा चूहा चूहिया कौवा कौवी बकरा बकरी हिरन हिरनी। हम लोग किसी भी शब्द को ले सकते हैं, सबको हम लोग क्या स्त्री से जितना करेंगे उतना क्या होगा हम लोग का रिविजन होगा, उतना अभ्यास होगा, इसलिए कोई भी शब्द लिखते हैं। कौवा बकरा हिरन हो गया, और क्या लिखे सखा सखी हो जाएगा,
घोड़ा हो गया हंस, हंस का हंसनी, बंदर का बंदरिया, धोबी धोबी, चिकित्सक चिकित्सिका, चिकित्सक का क्या होगा चिकित्सिका, आ लेगा अध्यापिका का, जैसे अध्यापक का अध्यापक हो जाएगा, उस जैसे दादा का दादी, मौसी का मौसा। यहाँ लिंग बदलना की पुलिंग स्त्री से नहीं, जो भी लिंग बदल लिखे हैं पुलिंग स्त्री नहीं लिखे, पुलिंग स्त्री रहता है, पुलिंग शब्द को स्त्रीलिंग करने के लिए यहाँ लिंग बना, जो पुलिंग है उसको स्त्रीलिंग में लिखना, स्त्रीलिंग शब्दों को पुलिंग में लिखना, इतना आप लोग कीजिएगा। और बाकी जो भी आप लोग जो भी लगे घर में अपने से खुद से लिख सकते हैं, और सामान का उस भी उसका नाम लिखेगा वस्तु का व्यक्ति का, और फिर उसको स्त्रीलिंग में बदल के बनाइएगा, बना के दिखाइएगा।